पढ़ रहे हैं तो ये भी भ्रष्टाचार है। ये हमारी आपकी आदत क्या, हम लोग नियम कानून अपने आप को बचा के हमें सवाल आते हैं। ये आपका 600 का 550 का बैच लग रहा है, देखते कल यूपी के आए तो भारत से कल यूपी जिस पर 80 का वो आया है नोटिफिकेशन आया था ना, 7 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। और सोचिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपी समीकरण वो आपके सिलेबस में है, क्लास की संख्या कितनी याद करिए, कितना है 500 कुछ है, 540 हाँ अच्छा हाँ, ये अब तक का सबसे बड़ा बैच है। हाँ अब ये संख्या मुझे लगता है इस समय 240-300 के आसपास से ज्यादा नहीं, चले 400 मान लो, तो भी 250 लोग गायब है कि नहीं गायब है, ये भ्रष्टाचार ही कहते हैं। इन्होंने घर से पैसा लिया था है ना, मैंने बोला ना कि आप व्यवहारिक बातों से मैं आपको जोड़ रहा हूँ, बाकी स्वामी जी की कहानियां बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, और मैं अक्सर आपको बताता भी रहता हूँ कि आप सफलता के लिए जीवन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। मैं सुबह बेसिक रख देता हूँ, सुबह 7 बजे रविवार तो बहुत बुरा है सर, और 11 बजे से रखिए, ये रखिए वो रखिए, और यही तो बच्ची मान लीजिए इलाहाबाद में उपलब्ध किया, मैंने आपको बुला दिया। मैं हमेशा आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ धर्मेंद्र का, धर्मेंद्र एक ऐसा अच्छा था, उसके बारे में एक बात में नहीं बताता हूँ, मालूम कोई फेसबुक पे बोल देगा तो नाराज हो जाएगा। इंटर में वो मैथ में बच्चा फेल हो गया था, हालांकि उसके संपर्क में आइएगा तो कहिएगा मत, क्योंकि सफलता के बाद व्यक्ति को खराब लगता है, हालांकि अच्छी बात है इससे लोग सीखते हैं। मैथ में धर्मेंद्र फेल हो गया था, उसने CQSI में ऑल ओवर इंडिया उसकी रैंक थी दूसरी CQSI में, इंटरव्यू में नंबर कम हो गए थे, उसकी रैंक हो गई थी 8वीं बार में फाइनल लिखित परीक्षा में, उसका जो है दूसरा भी रैंक थी दूसरी रैंक। ऐसे ऐसे बच्चे निकले हैं मेरे फेसबुक पे, मैंने हमेशा मैं आपसे कहता हूँ ना, जितना मेरे पास प्रूफ है उतना ही मैं आपको बताऊंगा, आप सर्च कर सकते हो, धर्मेंद्र तिवारी नाम है, इंडिया जो दूसरी रैंक थी उसकी, उसके ग्रुप में सारे लोग आपको CQSI वाले मिलेंगे, लेकिन चूंकि बाहर है तो उनको नहीं बुला पाए हम, है ना। ये सारी चीजें इसी आपके बीच से, जो बच्चे ये कभी शिकायत करते हैं कि हमको गणित नहीं आती, एक आपके सामने एग्जाम्पल है, एक धर्मेंद्र का एग्जाम्पल दिया, कि जो व्यक्ति कभी गणित में फेल हो गया था उसने ऑल ओवर इंडिया दूसरी रैंक लाई है। अलग बात है अपने आप फोटो नहीं लग गया जानते ही हैं, है ना, जब आपके बाद आपको लॉकडाउन में बात हुई थी, लेकिन मैंने कहा जाने दीजिए कभी फोटो नहीं लगे तो फोटो क्या लगाए। एक बार ऑनलाइन में इनको मैं बुलाने का प्लान था, जब हम लोग ऑफलाइन चलते ऑनलाइन चलता लॉकडाउन में, लेकिन फिर मैंने कहा जाने दीजिए अपने आप फोटो नहीं लगाते हमको, जबकि यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी कभी तो आ रही है, बच्ची यूपी ट्रिपल आपका बच्चे को मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, पहले बच्ची का सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ था, उसके बाद भी यूपी ट्रिपल एससी में ना, आप जो है कंप्लेंट के पद पर हैं ना, आप अपनी नौकरी बताइए। अभी जैसे आप लोगों को देख रहे हो ना, मेरे टाइम पे भी एक मैम आई थी और मैं एग्जैक्टली आप ही की जगह पे बैठी थी, और मैं वहां से बैठ के यही सोच रही पता नहीं हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट सर का मार्गदर्शन रहा। और मेरे साथ ऐसा था ना, मैं सर के पढ़ाने की बहुत बड़ी फैन हूँ, सर क्लास में आते थे, मैं जब सलोही गई थी मेरी फर्स्ट क्लास में, सर ने एक चीज कहा था कि मुझे बच्चा पंक्चुअल चाहिए, जो पंक्चुअल नहीं वो कुछ कर नहीं सकता, वो मतलब अपने आप को पहले ही सोच ले कि वो फिर कुछ नहीं कर सकता, आपको अपना टाइम जो है वो स्लॉट जो आपके सो रहा है ये सोच लो कि हाँ आप 7:30 बजे आ रहे हो तो 7:30 बजे आना है, ये नहीं कि 8:30 कर रहे हैं हम लोग, तो वो चीज उस टाइम से मैंने सर का पकड़ा कि पंक्चुअल होना है बस। और वही सर का सलोरी जो सुबह जाना और इस वेदर में बाप रे, सीरियसली मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता था, एक तो मैं सुबह उठ नहीं पाती, हाँ सबके साथ होता होगा, तो एक पहली चीज ये हो गई। सेकंड, मेरी मैथ्स के साथ साथ मुझे हिंदी इंग्लिश का भी बहुत प्रॉब्लम था, मुझे हिंदी में ये
मुझे अभी भी सही से नहीं आता है। तो उसमें भी सर उसको आगे बिठाते थे सलोनी वाली क्लास में, ऐसे घूमते घूमते पढ़ाते थे, जैसे उन्होंने वित्त बोला तो धीरे से मुझे बता देते थे यहाँ क्या लिखना है मुझे। तो सर हाँ अभी भी जैसे हम लोग का भी यूपी गवर्नमेंट में जो प्रोफार्मा प्रॉपर हिंदी है और हम लोग के साथ थोड़ा जो शब्दावली है वो मुझे उतनी नहीं आती है। तो जैसे सर मुझे यहाँ पे मिले, मेरे जॉब प्रोफाइल में भी त्रिपाठी सर हैं, वो मुझे मिले, वो मुझे हर चीज़ में वो भी गाइड करते हैं। और बाकी मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा नाम अपूर्वा लाहिड़ी है, मैं यूपी पुलिस में ASI के पोस्ट में सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे भी मेरा मिनिस्ट्रीलियर था, मैं फील्ड वर्क में नहीं थी, वहाँ पे भी मैं अकाउंटेंट थी। और यहाँ पे भी यूपी SSC के थ्रू जो मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं एज असिस्टेंट अकाउंटेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनरी ऑफिस महिला कल्याण विभाग में। और दोनों का अंतर ये था, वो मेरा जो यूपी पुलिस वाला था वो रिटर्न प्लस टाइप था, यहाँ पे रिटर्न प्लस इंटरव्यू था। तो ये प्रोसेस था सिलेक्शन का। बाकी और कुछ अगर किसी को पूछना हो या जानना हो तो बता सकते हैं, इसके अलावा मेरे बारे में कुछ नहीं बताएं। कोई कोई क्वेरी करना चाहे तो कर सकता है। कॉमर्स बैकग्राउंड था प्लस ओ लेवल, दोनों जगह पे अगर मुझे किसी चीज का बेनिफिट मिला वो है ओ लेवल, क्योंकि दोनों वैकेंसी में ओ लेवल मांगी गई। कई लोग PGDCA और क्या क्या कर करके पहुंचे, पर उन लोगों का वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हट गया, सिर्फ ओ लेवल मांगा था, उसमें और कुछ नहीं। चाहे आप कितने भी बड़े कंप्यूटर के साइंटिस्ट क्यों ना हो, मतलब हम लोगों से था जो ओ लेवल किए हुए बच्चे पहुंचे।